दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, ये जो हमारे बड़े भाई साहब खड़े हैं, इनके घर में दोस्तों एक लेडीज़ थी जिनको सांप ने रात को 12:30 बजे सांप ने काट लिया। काटने के बाद ये जो है दो है वहाँ ट्रीटमेंट के लिए सीधा गोंडा जो बड़ा अस्पताल है वहाँ पर लेकर गए थे। और दोस्तों अब इनके गांव में हम पहुँच चुके हैं। दोस्तों ये गोंडा ज़िला पड़ता है, परसा तिवारी के तरफ ये पड़ता है। जस्ट ये चौरा कौन सा गांव पड़ता है भैया? चारू गांव पड़ता है। अब सर जी से हम पूछते हैं कैसे क्या घटना हुआ, पूरी जानकारी कैसे क्या हो गया था आपके जो सांप काट लिया था? सर जी खाना वाना खा के सब सोए थे। अच्छा, वहीं सोते समय काट लिया। अच्छा, काटने के बाद फिर आप क्या किए? काटने के बाद छपिया ले गए अस्पताल में। अच्छा, वहाँ एक इंजेक्शन लगाए। हाँ, इसके बाद गोंडा भेज दिए। अच्छा, गोंडा में 27 इंजेक्शन लगा था और फिर बोतल ग्लूकोज। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मृत। अच्छा, उन्होंने मृत घोषित कर दिया। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सुन रहे हैं कि भाई साहब का कहना है कि सारा ट्रीटमेंट होने के बाद भी दोस्तों उनको मृत घोषित कर दिया गया है। अब आप लोग को उनको भी दिखाएंगे दोस्तों, जहां पर उनकी उस माताश्री के उस बहन का जो डेड बॉडी पड़ी हुई है हमको दिखाएंगे। लेकिन पहले उस सांप को निकाल कर दिखाते हैं जो सांप उनको काटा था। चलिए पहले आप उस सांप को ढूँढिए जहाँ पर है। सांप अगर मिल जाएगा तो वो भी हम आप लोग को दिखाते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसी घटना हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो रही है। भैया आप लोग थोड़ा, और जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं उस जगह पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ढेरों सारा अलमारी रखा हुआ है, ये फ्रिज रखा हुआ है। दोस्तों जो बहन सोई थी इस बेड के ऊपर सोई थी, अब इनको ये नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अब इस बेड को हम हटवा रहे हैं, अगर सांप होएगा तो आप लोग के सामने आएगा दोस्तों। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक अलमारी रखा हुआ है, बक्सा रखा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं ढेरों सारा यहाँ पर बिल है। अब ऐसे में किधर सांप गया होगा, अब हमें पूरा देखना पड़ेगा। आप लोग को हम दिखाते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है यहाँ पर थोड़ा बिल वगैरह दिख रहा है, हो सकता है कि इसके नीचे से भी छुप सकता है। उनका कहना था कि वो सांप जो है काला और सफ़ेद था, तो मुझे लग रहा है वो कॉमन करे सांप हो सकता है। बिल है क्या वहाँ पर? अलमरिया पहले हटावा जाए भैया, अलमरिया। थोड़ा उधर भैया, दो तीन जने पकड़ लूंगा। दोस्तों आप सब देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है साइड में कर साइड कर दोस्तों इधर जाके छिपा बाहर निकलवा तो और भी अच्छा रहेगा। अच्छा है भैया, ये काम कीजिए जो सड़िया के ऊपर रखा हुआ, सड़िया पहले निकाल ली जाए, साड़ी के नीचे भी छुप सका थी वो, बहुत चुप्पी सांप है वो। एक बाहर फेंक दो सड़िया, फिर नीचे वन के उठा के देख लीजिए, तो नीचे वाने का देखे बगैर देखे कम नाई बा भैया, घोड़ो में नाई बा साइड में थे। यहाँ पर भी तो बिल है। हाँ बिल तो है, बिल को छेड़ना नहीं पहले, नहीं तो उसका पाउडर दिखाई नहीं पड़ेगा, पकड़ में सांप नहीं है। हाँ हमको मालूम है, नहीं किसने तो पकड़ के धरे हुए। ऐसे घुमा दियो, एक बिल यहाँ पर भी दिख रहा है। ए भाई साहब, इसमें लग रहा मुझे गया होगा, इसमें ये देख लो, ये देख लो इसका हिगरा हुआ है पूरा। हटो तो पता है, अरे पीछे हटो, ये तो काम आप ही करो। थोड़ा इसको खुदाई करो ना भैया, एक फड़वा मंगाइए भैया, फड़वा क्योंकि इसका मेन जड़ यही है भैया, है ना। लेकिन वहाँ जैसे चली हुई लग रहा है, यहीं पर जो जहाँ पर चली हुई लग रहा है, देखो जैसे यहाँ पर जो चलते हैं वो लोग ना, तो फिसला रहता है पूरा, चिकन रहता है उसका, पाउडर लगा होता है। हाँ पाउडर लगा रहता है। ये को थोड़ा हटवा दो भैया उधर, और फरुआ मंगाओ इसको। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चूहा दौड़ रहा है, ऐसे में क्या हो सकता है कि हम
यही फरुआ चलाने वाले का ही काम है, कोई एक आदमी इसको खोदेगा तभी ये आएगा। भैया कोई खोदा जाए, राम कुमार खोदा जाए, भैया पे खोदा जाए, उतार से एक बिल वो भी है उसको भी खोदवाइए, फरुआ मंगा लीजिए, नहीं तो एक एक बिल खोदोगे कितना टाइम लगेगा। गहरा करो थोड़ा, मारो हचाक से, यही गहर करो। हाँ और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक बक्से के अंदर जो है गद्दा उद्दा रखा हुआ है, तो हमने कहा ये भी ट्राई कर लेते कि इसके अंदर से एक चूहा निकला है, क्योंकि चूहा जब भागा तो हमें कुछ शक लगा इसमें कि हो सकता है शायद इसी में सांप हो, क्योंकि चेक करना हमारा दोनों सब जगह काम है, हम चेक करके उसके बाद ही यहाँ से निकलेंगे। कितना बड़ा हादसा हो गया है गांव में, उनके दो दो बच्चे हैं दोस्तों, वैसे में क्या है कैसे क्या होगा तो सब मालिक के ही हाथ में है, लेकिन ऐसा घटना दोबारा ना हो दोस्तों, इसलिए हम पूरा चेक कर रहे हैं कि ऐसा अब घटना किसी के साथ ना हो। ये डोलची हटाओ, डोलची ऊपर वाला डोलची, हमसे बताओ तो कि ज्यादा बड़ा नहीं रहा, मात्र सिर्फ कुल मिला जुला डेढ़ हाथ का रहा। भैया जब वो देखे थे सांप तो एक बक्से के नीचे आ गया था? नहीं नहीं, दीवार के पास था, बक्सा के बीच में था। अच्छा हाँ, पहले मटिया ही सफा दे, एक फरुआ और थोड़ा बढ़िया फरुआ मंगाओ, चलने वाला यार। इसमें नहीं, इसमें नहीं है, छोड़ दे, नहीं भैया रहने दो, इसमें नहीं। तू कावले अरे दुनिया है कहाँ गया मुझे एक गहरे पर मिल गया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सांप हमें नहीं मिला है और काफ़ी मेहनत किया गया, देख सकते हैं सब लोग दोस्तों बैठे हुए, दोस्तों खड़े हुए हैं, सांप को देखने के लिए सब लोग आए थे कि कौन सा सांप उस लेडीज़ को काट लिया, लेकिन सांप हमें तो नहीं मिला, हमने काफ़ी ज़्यादा वहां पर प्रयास किया लेकिन सांप तो हमें दिखा नहीं। लेकिन दोस्तों आप लोग को हम वो भी दिखाते जहाँ पर उस लेडीज़ का जो है डेड बॉडी पड़ी हुई है वहाँ पर, वो भी दिखाते कि जिस गले में सांप काटा हुआ। अब आप लोग वीडियो में बने रहिए, वो भी आप लोग को दिखा। आज बात कर रहा हूँ,